तो आज मैं बात करूंगा एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक रूमर निकल के ये आया है कि हमें कैंग दिखाई देगा एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम में ही एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी है, यानी कि कैंग डायनेस्टी, तो कैंग तो हमें दिखाई देगा ही ना। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वो वाला कैंग होगा जिसको हमने देखा था एंटमैन 3 मूवी के एंड में मरते हुए। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि वो मर चुका है, बट ऐसा नहीं है, वो जिंदा है। मेरे अकॉर्डिंग और रूमर्स के अकॉर्डिंग वो वाला कैंग जिंदा है। और बहुत से लोग, यानी कि जो भी सोच रहा है कि कैंग मर चुका है, तो ऐसा नहीं है। कैंग क्या, कोई भी अगर मर चुका है या फिर कह रहा है कि नहीं आएगा, थोड़ा वेट करो, सब्र की ज़रूरत है। आप लोगों को गेम समझ में आ जाएगा वक्त के साथ, बस थोड़ी सब्र की ज़रूरत है। और इसी के साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि एंटमैन 3 के जो राइटर है JF, वही लिखने वाले एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। तो उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो लिखने वाले एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, उन्होंने लिख ली थी एंटमैन 3। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आई थिंक अगर उनको पता होता कि वही लिखने वाले एवेंजर्स वाई, यानी कि द कैंग डायनेस्टी, तो शायद स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हमें नज़र आते। बहुत से लोग कह रहे थे कि कैंग को बहुत ईजी बताया है, हार्ड नहीं बताया है, एंटमैन के सामने खड़ा कर दिया कैंग को। तो आई थिंक कुछ चेंजेस होते अगर उनको पहले पता होता। तो बस मेरा इतना ही कहना है। तो आई होप कि आप लोग रूमर समझ गए होंगे कि कैंग हमें फिर से दिखाई देने वाला है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। तो वेट करो, यानी कि सबर। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कहीं भी बंदा है बंदी, वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो।